ये है लेदर पेंटिंग, और लेदर पेंटिंग के हेल्प से ना ये लोगों ने एक कार है जिसको बुरा है ना। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज, मैं अभी फिलहाल चर्च गेट में और जा रहा हूँ कालाघोड़ा आर्ट फेस्टिवल एक्सप्लोर करने के लिए। तो गाइज, कालाघोड़ा आर्ट फेस्टिवल में आपको बहुत सारी यूनिक यूनिक चीज़ें और बहुत एंटिक थिंग्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, लास्ट तक एंजॉय करना। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। और ये जो कालाघोड़ा आर्ट फेस्टिवल है वो कभी होता है और किधर होता है एकदम मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। होता क्या है कि आप सिर्फ सब्सक्राइब करते हो वीडियो देख के, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक एक लाइक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स गो। अगर आपको भी यहाँ पे एक्सप्लोर करने आना है कालाघोड़ा आर्ट फेस्टिवल, तो आपको नॉर्मली चर्चगेट स्टेशन पे उतरना है, और सिंपली 10 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है चर्चगेट स्टेशन से कालाघोड़ा टाउन का। तो कालाघोड़ा टाउन में आने के बाद आपको एंट्री गेट दिख जाएगा कालाघोड़ा आर्ट फेस्टिवल का। और ये जो कालाघोड़ा आर्ट फेस्टिवल है वो फेब्रवरी के फर्स्ट वीक से लेके फेब्रवरी के सेकेंड वीक के लास्ट डे तक चालू रहता है। तो जाते हैं अभी आर्ट फेस्टिवल में एक्सप्लोर करने के लिए। अभी हम पहुँच गए कालाघोड़ा आर्ट फेस्टिवल में, और यहाँ पे अभी चेकिंग हो रहा है। एंट्री करने के बाद सबसे पहले आपको ये बाइक दिखेगी। अगर आपको एकदम क्लियर दिख रहा रहेगा तो ये देखो, यहाँ पे पूरा मदरबोर्ड से कोटिंग किया है बाइक को। और ये जो आपको दिख रहा है, आपको लग रहा है ग्लास है, बट ये सब साइलेंसर्स है, इससे पूरा ये यूनिक चीज़ बनाया है। ये है कालाघोड़ा आर्ट फेस्टिवल का मेन गेट, आप देख सकते हो गेट ऑफ इंडिया के जैसा इसका डिज़ाइन किया है, और इस पर एकदम अच्छे से पेंटिंग्स की है। और यहाँ से अभी अंदर जाने का कालाघोड़ा आर्ट फेस्टिवल सब चालू हो जाएगा। तो गाइस, एंट्री करने का जहाँ पे आपको सब स्टॉल्स दिखेंगे, तो ये जो फर्स्ट स्टॉल है, तो इसमें मुझे गाइस ये जो बेल है मुझे वो यूनिक लगी, जो मार्बल के यूज़ से ये बेल बनाया है। और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि ये प्लेट्स, कप्स, ये जो बाउल्स है जो मार्बल से बनाया है पूरा। गाइस, ये जो लकड़ी से बनाया है उसको आई थिंक जो हाफ कप बोलते हैं, बट यहाँ पे उसका पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है, तो आप पढ़ सकते हो किसने कॉन्सेप्ट दिया है, किसने डिज़ाइन किया है, ये सब यहाँ पे लिखा है, तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। और ये भी बहुत यूनिक लग रहा है, एकदम लकड़ियों से इतना सब कर्व एंड ऑल बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है। क्रिएटिविटी देखो, ये आपको देख के तो पता चल ही गया रहेगा कि ये स्लीपर है, और ये स्लीपर्स के थ्रू यहाँ पे स्लाइड्स बनाए हैं, तो आप देख सकते हो ऐसे बहुत अलग अलग चीज़ें आपको यहाँ पे दिखने के लिए मिलेगी। और इसका भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है कि कॉन्सेप्ट किसका है और डिज़ाइन किसने किया है, तो आप एक बार पढ़ सकते हो, बट ये अच्छा लग रहा है, कुछ अलग, आज तक मैंने कभी देखा नहीं था ऐसा, फर्स्ट टाइम मैं भी देख रहा हूँ। तो गाइस, ये जो हॉर्स बना है ना वो पूरा स्टील का है, मीन्स ये सिल्वर कलर है ना वो फुल स्टील है, और स्टील का पूरा यहाँ पे हॉर्स बना है। और ये जो है ना ये भी स्टील का ही है, और बाकी सब लोग यहाँ पे फोटोज़ क्लिक कर रहे हैं। तो गाइस, यहाँ पे एक कार है जिसको पूरा है ना जो कीबोर्ड रहता है उससे पूरा कोटिंग किया है। और ये कार है ना हर साल रहती है यहाँ पे जब भी कालाघोड़ा आर्ट फेस्टिवल यहाँ पे होता है। और आप देख सकते हो ये जो विंग्स लगाए ना उसमें हर साल के कार से फ़ोटोज़ लगाए कि कैसा अलग अलग डेकोरेट किया था ये कार को, और ये साल इन लोग ने पूरा कीबोर्ड से डेकोरेट किया है यहाँ पे ये कार को। गाइस, यहाँ पे स्कैनर दिया है जो स्कैन करके आपको शेड्यूल पता चलेगा कि ये कालाघोड़ा आर्ट फेस्टिवल में कौन से प्रोग्राम्स कौन से डेज पे होते हैं, तो आप स्कैन करके पता कर सकते हो। टनल बनाया है और उसके ऊपर है ना रोलर कोस्टर बनाया है, और ये रोलर कोस्टर बनाने का असली इंटेंशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना वो बस आप एक बार पढ़ो, और ये क्यों बनाया है ना उसका ये पूरा रीज़न है, और मैं गारंटी देता हूँ आपको ये बहुत अच्छा लगेगा कि जो लिखा है ना यहाँ पे वो पढ़ के। आर्ट हटारी फ्रॉम छत्तीसगढ़, ये एक स्टॉल है जिसमें आपको मतलब लकड़ी के यूज़ से इतने सारे यूनिक यूनिक चीज़ें बनाई है। देखो आप,
तो ये है ना झूमर है जो आप घर पे लगाते फिर ऐसा आवाज़ है ना एयर, मतलब जब हवा आती है तभी आपको सुनाई दे रहा होगा। और ये जो अंदर है वो सब झूमर्स है और लैम्प्स है। और यहाँ पे मुझे सबसे यूनिक चीज़ लगी वो ये बो एंड एरो जो लकड़ी का बना है। और ट्री प्लांटेशन के लिए भी देखो घर पे एक अलग चीज़ है जिसमें आप ट्री प्लांटेशन कर सकते हो। और ये भी एक है जिसमें भी आप ट्री प्लांटेशन कर सकते हो। यहाँ पे किचन्स भी है जो पूरे लकड़े के बनाए। तो इस प्लास्टिक के बॉटल का बहुत अच्छा यूज़ किया है यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे प्लास्टिक के वाटर बॉटल से बहुत ही अच्छा ट्री बनाया है। और ये जो वायर्स जो लटक रहे हैं ना, ये वायर्स ना मैट्स के, जो इससे मैट बनता है ना, मैट चटाई, वो मैट्स के वायर है जिसके हेल्प से और प्लास्टिक के वाटर बॉटल के हेल्प से ये इतना क्रिएटिव ट्री बनाया है। इस यहाँ पे ना पिलोज है, ब्लैंकेट्स है, बेडशीट्स है जो वो लोग ने खुद ने डिज़ाइन किए, हाथ से बनाया है। और प्लेट्स भी है, प्लेट्स ग्लासेस जो खुद ने डिज़ाइन करके बनाया है ये लोगों ने। तो ऐसा यूनिक यूनिक सब यहाँ पे मिलता है जो खुद वो लोग बनाते हैं अपने अपने हाथों से। गाइस यहाँ पे इतना अच्छा आर्ट फेस्टिवल लगा है। और ये देखो ये जो आपको दिख रहा है, ये लोग यहाँ पे भी बैठ के पबजी खेल रहे हैं। क्या बोलने का, इतना अच्छा आर्ट फेस्टिवल लगा है यहाँ पे। और इधर आके भी लोग पबजी खेल रहे हैं, मतलब कुछ बोल ही नहीं सकते। हम विरार से यहाँ पे आए ये आर्ट फेस्टिवल एक्सप्लोर करने के लिए, और यहाँ पे आके भी ये लोग पबजी खेल रहे हैं। थैंक्स, लव यू। तो गाइस यहाँ पे ना बहुत सारे स्टॉल्स हैं, बट मैं सब स्टॉल एक्सप्लोर नहीं कर रहा, मैं वही स्टॉल एक्सप्लोर कर रहा हूँ जो मुझे लगता है कि आपको दिखाने चाहिए। और जो स्टॉल्स जो यूनिक से यूनिक चीज़ों से स्टॉल लगाए यहाँ पे वो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। बट और बाकी सब है ना सेम स्टॉल्स है, तो क्या वीडियो लेंदी करने से अच्छा कुछ यूनिक और जो मुझे लगता है कि आपको दिखाना चाहिए, आप तक पहुंचना चाहिए, मैं वही सब स्टॉल एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो गाइज ये मुझे बहुत यूनिक लगा क्योंकि ये है लेदर पेंटिंग, और लेदर पेंटिंग के हेल्प से ना ये लोगों ने ऐसा लैम्प्स बनाया है। और ये लैम्प्स के अंदर आप बल्ब्स भी लगा सकते हो, बल्ब्स का भी कनेक्शन ये लोगों ने दिया है और होल्डर्स भी दिया है। तो ये आप आपके घर पर आइदर शोपीस रख सकते हो। और लेदर पेंटिंग के हेल्प से ये लोगों ने ना पपेट्स भी बनाया है, ये देखो। और ये जो फ्रेम्स है ना इसके अंदर भी लेदर पेंटिंग्स है। और ये जो हैंग किया है ना, ये जो डिज़ाइंस है ना, और ये भी इन्होंने ना लेदर का बनाया है, ये जो है ना वो लेदर है और उस पर इन लोगों ने पेंटिंग्स बनाए। तो आप भी आपके घर पे हैंग कर सकते हो। गाइस एक कार देखो क्या सेक्सी लग रही है, ये स्पॉन्सर्ड बाय रेडबुल है, ये कुछ क्रिएटिविटी नहीं है बट वो लोग ने बनाया, वो भी एक क्रिएटिविटी है। एक जो कार डिज़ाइन किया है और जिसने कॉन्सेप्ट दिया है वो भी बहुत क्रिएटिविटी है। तो यार बहुत ख़तरनाक लग रही है यार ये कार, बट स्पेस इतना कम है ना इधर बैठने का, मेरे जितना तो अंदर घुस ही नहीं पाएगा, इतना छोटा स्पेस है, बट अच्छा लग रहा है। प्लीज़ ये देखो यहाँ पे ना मैच बॉक्स लगाया है, और मैच बॉक्स पे ना यहाँ पे डॉग्स के फ़ोटोज़ लगाए हैं। तो ये लोग ये मैच बॉक्स यहाँ पे स्टिक करके एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि मैच बॉक्स यूज़ करने के बाद जो मैच स्टिक्स रहता है ना वो किधर भी रस्तों पे फेंको मत, क्योंकि वो फेंकने के बाद डॉग्स लोगों खाते हैं और फिर वो लोग मर जाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे ये लोग ने डॉग्स का फ़ोटो लगाया, क्योंकि मैच स्टिक यूज़ करके आप रस्तों पर फेंको मत, वो डस्टबिन में फेंको। ये देखो उनके हेयर्स एंड ऑल सब निकल सकते हैं, उनको फुल वायरल हो सकता है, इसके लिए रस्तों पर फेंको मत, डस्टबिन में फेंको। सो गाइस ये सब है ना पेपर्स के कंदिल्स है, मीन्स लैंटर्न, मैं आपको एकदम प्रॉपरली बताता हूँ। ये देखो आप है ना इसको ऐसा क्लोज करके, मीन्स है ना ये जो है ना ये मैग्नेट है, ये जो है ना ये मैग्नेट है, इसको आप ऐसा क्लोज करके ना स्टिक करके आप फिर उसको है ना ऐसा हैंग कर सकते हो। मीन्स इसके अंदर से ना आप बल्ब डाल सकते हो इसके अंदर, और इसको है ना फिर ऐसा आप हैंग कर सकते हो। ये देखो जैसा ये लोगों ने ऐसा ऊपर हैंग किया ना, ऐसा आप ऊपर है ना ऐसा घर पर आपके दिवाली के टाइम ऐसा हैंग कर सकते हो। और फिर ऐसा आपको हैंग नहीं करना है तो ऐसा घर पे एज अ शोपीस भी रख सकते हो अंदर बल्ब लगा के। तो ये बहुत क्रिएटिव है, मीन्स पेपर के हेल्प से आप ऐसा बना सकते हो, और ये बहुत यूज़फुल भी है। इस यहाँ पे ना बहुत सारे पेंटिंग्स है, ये साइड भी है, ये साइड भी है, बट मुझे ना ये जो ब्लैक वाला है ना वो सबसे अच्छा लगा है। और
ये जो ब्लैक वाला पेंटिंग है उस पर क्या लिखा है ना, आप मुझे सिर्फ कमेंट करके बताओ। मुझे पता है कि क्या लिखा है, बट कमेंट करके आप बताओ कि इस पर क्या लिखा है, ठीक है। तो गाइस इधर ना एक हॉर्स है जिसके ऊपर जाके आप ना फोटो क्लिक कर सकते हो, बट एक्चुअली ये है छोटे बच्चे लोग के लिए। बट कितने बड़े बड़े लोग जाके ऊपर फोटोज निकाल रहे हैं ना, क्या बोलने का। पूरा काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल एक्सप्लोर करके मैं अभी घर पर आ गया हूँ। तो गाइस उधर जाने के बाद मुझे अभी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बहुत अट्रैक्टिव थी, यूनिक थी और एंटिक थी, और कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो मैंने आज तक देखी भी नहीं थी। वो स्पेशली तो वो लेदर वाला पेंटिंग जिससे वो लैम्प बनाया था, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपको क्या अच्छा लगा पूरे वीडियो में आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो ये वीडियो मैं इधर ही एंड करता हूँ। तो अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा रहेगा तो मैं वापस बोलना वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चाहो जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितना हो सके उतना वीडियो शेयर करो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।